एक भैया जी का ब्याह होएगा, ब्याह होएगा भैया। अब वह शादी करके पत्नी चली गई मई के, बहुत दिन हो गए। एक दिन अपनी अम्मा से लड़कों ने कहा लगा अम्मा हम मई के ससुरारिक जबैया हन। तो बुआ मम्मी कहा लगी भैया ससुरारिक जायो तो एक काम करो, जब ससुरारिक जायो तो जले दस दाएं कोई ना कहा तले खाना ना खायो। मैं कहे खाओ दमाद खौआ है बैठा बाबू, कहें जेले दस दाएं कोई ना कहा है तले खाना ना खायो। कहा लग ठीक अम्मा जेले कोई दस दा नहीं कही तले नहीं खाओ। अब घर में रहे पांच जने, घर में रहे पांच जने, तो जब ससुराल में, और ससुराल में सबसे ज्यादा सास मानत, सबसे ज्यादा सास मानत, दमाद जब दमाद पहुंचत है तो सास देखती कितना है मालूम, देखती कितना है। हमारी माताएं बने घूंघट मरती हैं कई प्रकार के, छह प्रकार के बता दें। एक होते हैं आड़ा ब्याड़ा लंबा तिरछा सीधा, एक होते हैं कनवा। कनवा घूंघट प्रयोग करती हैं, कनवा घूंघट प्रयोग कब करती, जब दमाद पहले पहले आवत या समधी आवा, जब समधी आवत है और वहां के जब ठाण में तो निकली घर से, तब कितना कनवा घूंघट मारा कितना है बताइए। कनवा घूंघट मारा जाता इसे इतना मारी घूंघट और खड़ी हुई और कह लगी पहुना और ठीक हो, पहुना और सब ठीक हो। हाँ ठीक हन, और हमारे बहुरिया वाली भैंस भला का हाल है, हाल का यह है हाल सब चालू बिगड़ रहा है। अच्छा तो पहुना रुकी हो नहीं, रुकब नहीं अब रुकब नहीं अब नहीं रुकब। तो कहन पहुना ना हो तो चहले पी ले, चहला पी ले। यो घूंघट कनवा है भैया है ना, जब दमाद आवत और एक घूंघट और चला है, एक घूंघट चला जितना डिंगो जहां तहा है इतना, यो घूंघट इधर नहीं है, यो सतवा घूंघट हुआ है, यो हाइब्रिड वाला घूंघट हुआ भैया। यो घूंघट कहा मारा जाए मालूम, और यो घूंघट कौन बहुरिया मारते है ससुराल में, यहाँ जौन बहुत धन दौलत लेके, जौन बहुत तुम्हारे घर में धन दौलत लेके, वह जौन घूंघट बहुत बड़ा नहीं मारी, यो घूंघट हुआ घोड़ा मार का। यो घूंघट कैसे मारा जाता बताई, यो घूंघट मारा जाते है इससे, ये घूंघट ऐसे मारती माते मैंने हमारे फिर मानती यह बात नहीं जरा माने हो, यह बात नहीं माने या ना बात माने। और पहले पता लग जाट बैसा खाएगे, और जब जाट बैसा समय आएंगे तो अब घूंघट मारे कौन काम है, जब समय है खड़े भे तो का कहती या बात हाय बरी पाछे घूम जाती के, पाछे काहे घूम जाती मालूम, पाछे कहीं यहां घूम जाती है के मारे कहती है मरी गौनो मुंह तो देख ले हो अभी है लगा रहे तुम देख हमारे पाटा का पीठ खा जे ती मारे पाछे घूम जाती है ना। हे भैया जी की बात मानो ती की मानो, भैया गए ससुरार का, जब भैया ससुरार गए तो एक सास वही कहला भैया खाना खा लो, कहला एक भाई नहीं खाव। पहले सराह जाए तुम्हारा मॉडल पुराना है सन 2015 रहा है मॉडल गिरगा रहा तुम्हारा, तो वही तो कहला कि पहुना रोटी खा ले चले, तो कहला दू ये भाई खाना नहीं खाव, अभी आठ कम है तेले वो तेले वा सारी यही छड़कैया वाली वा झबला पहरे पहरे, कहला जी जन हैप्पी न्यू ईयर रोटी खाओ चलो, तो कहना बहना ही खाओ तीन। तेले सारा वा बड़कवा कहला जीजा खाना खाओ चले, कह नहीं खा अभी चारे भवे। तेले उनके बप्पा बिटिया के कहला भैया दमा दो तले खाना खा लो चले, तब बैठो तो कहला वही पांच खाना नहीं खाओ, अब जब घर में कोई रहन नहीं गा तो कहे को। अभी रात में लेटे बेचारे छती के ऊपर सही तिक मारा, अभी रात में यहाँ बेचारे भूखे भी पेट मार फरुआ कूद दे, तो रात में बीबी के यहाँ जगह इन जाए ओरे ओरे उठ मरीगन भूखन रे उठ, तो वो उठ के बैठ कहे ला का होएगा, कहने होएगा का है संजय का अम्मा कहीं ना दस दाए कोई कहे तब खाए, और हम पांच दाए कहे हम पांच गिनती कम रह गए तो खाए नहीं, अब हमरे भूखा मारे को रहा नहीं जात, तो कहने इस करो रात में है कुछ खा के जुगाड़ो है नहीं, तेने को दूध रखा है आगे पर गर्म हो रहा है, तो एक काम करो वह थोड़े चौर दे जाए डार तेने शक्कर डार दियो,
और वह खीर बन के फिट हो जाई और खा ले हो बस काम पार हो जाई रात। तो ये कहा कि चौर डाल दीन। अब थोड़ी देर में वो फूल फाल के चौर तो कहा लगे इस करो थरिया कटोरिया को उठावे चुप्पी ले खाए हम ये रबराए के वहाँ हाथ दिन घुसेरे मलिया में हाँ। अब जब हाथ घुसेरे ना तब मुठ्ठी रहा सूद और जब वहाँ चौर पकड़े तो मुठ्ठी लिहने बंद है। अब अति वैध का किल नहीं वो मुठ्ठी निकर ही नहीं वह हड़िया तो कहा लग देवी कहने का कहीं तब ना अब बैगरिका कहने दे हड़िया हमारा हाथ पकड़ लीस। अब बुद्धि हो तो हाँ जैसे हाथ ताक देते तो सहड़िया खा लेके जा लेकिन यू छोड़े नहीं। अब यू कहे परे अब वह भैया फंसी तो कहने अब का करी अब का करी कहने अब का करी तो हाथ ही फाट डाली हमारा। तो कहने एक काम करो अब जुगाड़ू है चुप्पे जीनन पर उतर जाओ और द्वारे देखो जाए खड़ंजा पर पटक दो या फूट जाए। और सहित मारा भैया ई निकरे उतर के यहाँ उजरिया रात इनके बुढ़ाऊ है दिन मुंडा बनवाना है मुंडा बनवाना ई खोपड़ी खुल्ला के है भैया स्वागत रहे। तो वो समझी थे हमारी जान सबसे बढ़िया कांकड़ू है पुआड़ है और भैया वह खोपड़ी पर वह भैया मलिया हन्न देने धार देखी से अब धार दे तो चिल्ला दादा मरी गया ना दादा। तो वह आधा कड़ा हाथ हम रहेगा ई तो भाग्य भैया डड़पसरी ई तो डड़पसरी वर का निकल गए ई तो नहर वर का भाग्य। अब सब कोई गाँव भट्ट वाला भर दौड़ी पड़ा तो कोई टार से देखो कोई दीपक देखे कोई कैसो देखे कोई मोबाइल से चलावे तैले देखी उमा चौरन के कोई सीत गिर गया खोपड़ी पर तो बिटिया उनकी रोवे लगी बूढ़ा तो उनसे ज्यादा डाउन लाख डाउन हो गई बूढ़ा बूढ़ा रोवे लगी हाय दादा हम नहीं जान तिराहन हमारे बुढ़ऊ के रतन ई करन ई भी गरी गई रही यारे ना हमारे बुढ़ऊ कहीं हाँ मरत देर और ना तो की रवा के भैया तो ये सब तमाशा होते है ना मैं आपको क्या बता रहा।